हेलो बच्चों, मैं अंशु मिस और मैं आज आप सभी को क्लास वन का SST पढ़ाने जा रही हूँ। लेसन 3, व्हाट कैन चिल्ड्रन डू फॉर देयर पेरेंट्स। बच्चे अपने माता पिता के लिए क्या कर सकते हैं। आप लोग भी तो बच्चे हैं ना, तो आप लोग अपने माता पिता के लिए क्या कर सकते हैं। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, माता पिता बच्चों से प्यार करते हैं। आप लोगों की मम्मी पापा भी आपसे प्यार करते होंगे, पता होगा आप लोगों को। दे वर्क हार्ड फॉर देम, वो उनके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, मतलब कठिन काम करते हैं। चिल्ड्रन शुड ऑल्सो लव देयर पेरेंट्स, बच्चे को भी अपने माता पिता से हमेशा प्यार करना चाहिए। ओके, दे शुड रिस्पेक्ट देम एंड ऑमे देम, उन्हें क्या करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए तथा उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए, मतलब उनकी बातों को माननी चाहिए। दे शुड हेल्प देम एट होम, माता पिता के घरों के कामों में उनकी मदद करनी चाहिए बच्चे को, आप लोगों को। ठीक है, आप लोग करते हैं। गुड चिल्ड्रन ऑलवेज, अच्छे बच्चे हमेशा हेल्प देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता की मदद करते हैं। अवे देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। सर्व देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा करते हैं। रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट मीन्स आदर करना, आदर करते हैं। ओके, आप लोग करते हैं। चिल्ड्रन कैन हेल्प देयर पेरेंट्स इन, बच्चे अपने माता पिता का कामों में मदद कर सकते हैं। कौन से काम में, कीपिंग द हाउस नीट एंड टाइडी, घरों को साफ रखने में, उनकी सफाई करने में। क्लीनिंग एंड डस्टिंग, धूलों की सफाई, घरों की सफाई करने में। गेटिंग मिल्क फ्रॉम द डेयरी, डेयरी से दूध लाने में। गेटिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, बाजार से सामान लाने में। सर्विंग द गेस्ट, गेस्ट की सेवा करने में। मेलिंग लेटर्स, पत्र भेजने में। वाटरिंग द प्लांट्स इन द हाउस गार्डन, घरों के बगीचा में पौधों को पानी डालने में। इन सब कामों में बच्चे जो है अपने माता पिता का हेल्प कर सकते हैं। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स याद दिलाना है। चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट एंड ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चे को अपने माता पिता का आदर करनी चाहिए तथा उनका आज्ञा का पालन करनी चाहिए। चिल्ड्रन शुड हेल्प देयर पेरेंट्स, बच्चे को अपने माता पिता के घरों के कामों में या कोई भी काम में मदद करनी चाहिए। गुड चिल्ड्रन हेल्प एंड ओबे देयर पेरेंट्स, अच्छे बच्चे अपने माता पिता की मदद करते हैं तथा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। चिल्ड्रन कैन हेल्प देयर पेरेंट्स इन, बच्चे अपने माता पिता का हेल्प कर सकते हैं। क्लीनिंग में, सफाई में। गेटिंग थिंग्स, कोई भी चीज़ लाने में। सर्विंग द गेस्ट, गेस्ट की सेवा करने में। मेलिंग लेटर्स, पत्र भेजने में। वाटरिंग द प्लांट, पौधों को पानी देने में। ETC ओके, तो आप लोग इस चैप्टर को समझ गए होंगे। कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भेज दूँगी। थैंक यू। हेलो बच्चों, मैं अंशु मिस और मैं आज आप सभी को क्लास वन का SST का लेसन 3 का क्वेश्चन से करवाने जा रही हूँ। ओके, टिक द करेक्ट आंसर। चिल्ड्रन शुड हेल्प देयर पेरेंट्स, बच्चे को अपने माता पिता की किन किन कामों में हेल्प करना चाहिए। क्लीनिंग द हाउस, गेटिंग द मिल्क, गेटिंग द ब्रेड, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस होगा, ये तीनों कामों में हेल्प करना चाहिए। घर की सफाई में, दूध लाने में, ब्रेड लाने में, ये तीनों चीज़ों में करना है। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिल्ड्रन डैश देयर पेरेंट्स, अवे, इग्नोर, नॉट अवे, नन ऑफ दिस। बच्चे को अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, अवे होकर, ना कि इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर नहीं ना करना चाहिए, अच्छे बच्चे जो है क्या करते हैं, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करते हैं। अवे इसका सही आंसर होगा। ओके, चिल्ड्रन शुड डैश द गेस्ट, सर्व, इग्नोर, एब्यूज। अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो हमें उनका सेवा करना चाहिए, इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, एब्यूज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सर्व करना चाहिए। सर्व होगा, सेवा करना चाहिए। ओके, चिल्ड्रन शुड हेल्प देयर मदर्स इन, सॉरी, गर्ल्स शुड हेल्प देयर मदर्स इन, लड़कियों को अपने मम्मी के किन किन कामों में हेल्प करना चाहिए। किचन में, बाथरूम में, डाइनिंग रूम, ऑल ऑफ दिस होगा, ये तीनों में करना चाहिए। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है। गुड चिल्ड्रन ऑलवेज डैश देयर पेरेंट्स, अच्छे बच्चे हमेशा अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स हो जाएगा। पेरेंट्स डैश देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, माता पिता बच्चों से प्यार करते हैं। बॉयज वाटर द डैश इन द गार्डन प्लांट्स, बॉयज जो है गार्डन में पौधे को पानी डालता है ना, तो प्लांट्स हो जाएगा। बॉयज एंड गर्ल्स बाई थिंग्स फ्रॉम डैश, कोई भी चीज़ खरीदना रहता है बॉयज और गर्ल्स को, तो कहाँ से खरीदते हैं,
शॉप से खरीदते हैं, दुकान से खरीदते हैं, ओके शॉप्स हो जाएगा। चिल्ड्रेन हेल्प टू कीप द हाउस क्लीन, बच्चे को अपने माता पिता का हेल्प करना चाहिए घर को साफ रखने में, ओके। नेक्स्ट गिव आंसर यस नो, हमें उत्तर जो है वो यस नो में हाँ या नहीं में आंसर देना है, ओके। डू चिल्ड्रेन लव देयर पेरेंट्स, क्या बच्चे माता पिता से प्यार करते हैं, आप लोग करते हैं माता पिता से प्यार करते ही होंगे, तो यस। डू चिल्ड्रेन हेल्प देयर पेरेंट्स, आप लोग अपने मम्मी पापा के कोई भी काम में हेल्प कराते ही होंगे, यस। डू यू हेल्प योर फादर, अपने पापा, क्या आप अपने पापा का हेल्प करते हैं, यस। डू यू हेल्प योर मदर, मम्मी का भी हेल्प कराते ही होंगे, यस। डू यू ऑबे योर पेरेंट्स, क्या आप अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करते हैं, यस। डू यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, क्या आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट मीन्स आदर करना, यस। डू यू रीड एंड राइट एंड होम, क्या आप घर पे पढ़ते और लिखते हैं, यस पढ़ते ही होंगे ना। मैच द फॉलोइंग है, ओके मैच द फॉलोइंग है, चिल्ड्रेन का इसमें हम करते हैं आपको मैच। चिल्ड्रेन बच्चे जो हो जाएंगे वो जाएगा सर्व द गेस्ट, कोई भी मेहमान आए तो उनका सेवा करना, ओके। गर्ल्स हो जाएगा क्लीन द हाउस, गर्ल्स का क्या हो जाएगा, क्लीन द हाउस, घरों को साफ रखना। बॉयज गेट थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, कोई भी सामान बाजार से लाने में। पेरेंट्स का हो जाएगा लव देयर चिल्ड्रेन, बच्चे को बच्चे से प्यार करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, यहाँ मैं आप लोगों को वर्ड मिल लगा दी हूँ, देखो देयर वर्क हार्ड ये सब है, लिख लीजिएगा आप वर्ड मीनिंग। क्वेश्चन है नेम एनी टू थिंग्स विच द बॉयज डू फॉर द फैमिली, दो ऐसे चीज़ का नाम बताना है जो लड़के जो है अपने फैमिली के लिए परिवार के लिए करते हैं। तो द बॉयज शुड अटेंड द गेस्ट एंड गेट थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, बॉयज जो कोई भी गेस्ट आता है तो उनको अटेंड मतलब उनको अपने साथ लेके आते हैं, बैठाते हैं, सेवा करते हैं, और कोई भी चीज़ जब गेस्ट हमारे घर में आते हैं तो कोई भी चीज़ मार्केट से तो लाना ही पड़ता है ना, तो वो क्या करते हैं मार्केट से वो सामान बाजार से लाते हैं, ओके। नेम एनी टू थिंग्स विच द गर्ल्स डू फॉर द फैमिली, और ऐसे ही दो चीज़ का नाम लिखना है जो गर्ल्स लड़की जो है अपनी फैमिली के लिए करती है, परिवार के लिए करती है। द गर्ल्स शुड हेल्प इन द किचन एंड हेल्प इन द लाइनिंग द डाइनिंग टेबल, क्या करती है किचन में जो भी गेस्ट आते हैं, कोई भी आता है या कभी भी, तो क्या करती है घर में किचन में हेल्प कराती है मम्मी की, और डाइनिंग टेबल पर लाइनिंग लगाना रहता है डिनर के समय या जो भी ब्रेकफास्ट के समय उसमें हेल्प कराती है, ओके। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी। थैंक यू।